पहले भी आप पहुँचे थे, किस चीज़ की शिकायत लेके पहुँचे हैं और अभी क्या मामला जो बता रहे हैं? खजूरिया बीएनपी थाने के अंतर्गत खजूरिया जागीर एक ग्राम आता है, वहाँ पर सावन नारे द्वारा अवैध प्लॉट काटने और दूसरी शिकायतें थी जिसकी हम लोगों के द्वारा जांच की गई थी, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा FIR के आदेश किए गए थे। पहले मेरे द्वारा 13 जून को जो था वो आवेदन कोतवाली थाने में दिया गया था, पर वो कहीं मिस हो गया उन लोगों से, तो आज मेरे द्वारा BNP थाने में उसकी FIR की गई है। मैम, और भी कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे, क्या है प्रकरण इसमें? नहीं, जांच के उपरांत जो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया गया उसमें सामन नांदेल के खिलाफ FIR के आदेश किए। मैम, आगे क्या प्रोसेस की जाएगी इसमें? हम लोग उसके खिलाफ 400BC की FIR दर्ज करा रहे हैं, अब आगे पुलिस जांच और अन्य कार्रवाई करेगी। मैम, क्या है मुख्य आरोप, क्या जो लापरवाही प्राथमिक दृष्टा जो है राजस्व ने और जिला प्रशासन ने देखी? मुख्य तो यही है कि उसने कॉलोनी काटने से कॉलोनाइजर का लाइसेंस उसके द्वारा नहीं लिया गया है, और खजूरिया जागीर ग्राम पंचायत से विकास की अनुमति नहीं दी गई है, और उसके द्वारा जो TNC से नक्शा पास कराया गया था और जो प्लाट बेचने के बाद उसने रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा, उन दोनों में भिन्नता है। मैम, क्या है अब जो इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने पैसे दे दिए उनको या प्लाट के लिए, उनका क्या होगा? या जो अब जो है प्लाट खरीदने के लिए उनको कुछ लोगों ने रकम भी दे दी है, अब इसमें जाँच के उपरांत ही मतलब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। ठीक है। और क्या मामला जो है अभी BNP थाना पुलिस ने दर्ज किया, किन धारा और किसके खिलाफ? अभी मैडम आए हैं थाने पर, उन्हें एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उस पर से FIR हो रही है धारा 420 में। सोहन नांदेल नाम के एक कॉलोनाइजर जी, उनके द्वारा कॉलोनी के विकास और प्लॉट जो निरीक्षित किए हैं उसमें कुछ अनियमितता करी है, संबंध में उनका प्रतिवेदन पेश किया है, उसके आधार पर सोहन नांदेल के विरुद्ध FIR। किन धाराओं में सर FIR की जा रही है? सर, क्या एक ही व्यक्ति के खिलाफ आवेदन में एक व्यक्ति? सर, क्या आप उम्मीद करेंगे जो है मामला दर्ज होने के बाद जल्द गिरफ्तारी भी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर से गिरफ्तार करेंगे? ठीक है सर, ओके।